हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवशंकर पारामेडिकल। शिवशंकर पारामेडिकल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग का चल रहा था पारामेडिकल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सेल कोशिका चल रहा था, और कोशिका में आप लोग का माइटोकॉन्ड्रिया हुआ था। आज जो बात करने वाले हैं गॉल्जी कम्प्लेक्स के बारे में, जिसको गॉल्जी उपकरण भी बोलते हैं, गॉल्जी पदार्थ भी बोलते हैं, कई नामों से इसको जाना जाता है। तो क्लास पूरा कीजिएगा, आप लोग का 8:30 बज चुका और बताए थे 8:30 बजे से आप लोग का साइंस चलेगा। फिर 9 बजे आप लोग का टेस्ट है, 9 बजे जो है आप लोग का टेस्ट है, लाइव टेस्ट है जीके का, क्योंकि जीके से जो है आप लोग को 20 क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, और साइंस में आप लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मिलाकर के 25 क्वेश्चन रहेगा। यानी कह सकते हैं कि 7-8 क्वेश्चन आपका फिजिक्स से रहेगा, 8 केमिस्ट्री से, 8 बायोलॉजी से क्वेश्चन रहेगा, एक दो आगे बढ़े बढ़ा घटा करता है, इसलिए टोटल 25 होता है साइंस सामान्य ज्ञान में, सामान्य विज्ञान में, जो पैरामेडिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग को जीके का टेस्ट जरूर देते रहिए, क्योंकि जीके जो है आपको कहां से पूछेगा, इसका कोई अंत जीके का होता नहीं है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि लाइव टेस्ट जो 9 बजे से चलता है जीके का, प्रतिदिन दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स देख लीजिए, गॉल्जी उपकरण, गॉल्जी उपकरण को अच्छे समझिए, जिसको गॉल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। देखिए, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है यह मुख्य रूप से प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, एकदम यूकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता, ध्यान रखिएगा। यह मुख्य रूप से जो होता है गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, जिसको हम लोग गॉल्जी उपकरण बोलते हैं, तो यह मुख्य रूप से यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। अब यहाँ पे समझिए, यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। लेकिन अब यहाँ पे बात आता है कि गॉल्जी कॉम्प्लेक्स जो है यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। लेकिन हम बात कर ले अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका, किसके बारे में बात कर ले, अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो देखिए समझिएगा एक एक बात बढ़िया से। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होता है, चाहे स्तनधारी के जो आरबीसी होता है, क्या होता है? आरबीसी, लाल रक्त कणिका जो होता है, ये दोनों की अगर बात कर ले तो ये दोनों में जो है गॉल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं पाया जाता। क्या होता है? नहीं पाया जाता है। जबकि गॉल्जी कॉम्प्लेक्स कहाँ पाया जाता है? तो गॉल्जी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिका में। कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। कहाँ पाया? यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। एक एक बात अच्छे समझिएगा। देखिए, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स की जो खोज हुई थी, अगर इसके हम खोज की बात कर ले, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में किसने बताया था सर्वप्रथम? देखिए, इटली के एक वैज्ञानिक थे, जिसको इटालियन वैज्ञानिक भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे समझिएगा, कहाँ के थे बाबू? इटली के। कहाँ के वैज्ञानिक थे? इटली के एक वैज्ञानिक, जिसको इटालियन भी बोल सकते हैं, वो न्यूरोलॉजिस्ट थे। इटली के एक वैज्ञानिक, यहाँ पे लिख देते हैं इटली के वैज्ञानिक। और यह जो वैज्ञानिक थे, यह वैज्ञानिक की अगर हम बात कर ले तो यह वैज्ञानिक न्यूरोलॉजिस्ट थे। क्या थे? न्यूरोलॉजिस्ट थे, लॉजिस्ट, एकदम बढ़िया समझिएगा, न्यूरोलॉजिस्ट थे। क्या थे? न्यूरोलॉजिस्ट थे। तो इटली के जो वैज्ञानिक है, न्यूरोलॉजिस्ट है, इनका नाम है कैमिलो गॉल्जी। क्या नाम है इनका? कैमिलो गॉल्जी, एकदम बढ़िया समझना है। क्या नाम है? कैमिलो गॉल्जी नाम, गॉल्जी इनको बोल सकते हैं, गॉल्जी नहीं, इंग्लिश में इसे पढ़ा देते हैं लोग गॉल्जी, कैमिलो गॉल्जी, एकदम बढ़िया से समझिएगा। देखिए, कैमिलो गॉल्जी जो थे वैज्ञानिक, इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा 1898 में, याद रखिए कब देखा, तो 1898 में देखा। और इन्होंने कहा कि देखो, इन्होंने देखा कि एक जीव है, उस जीव का नाम है बॉर्न आउल। क्या नाम है? बॉर्न आउल। और उस बॉर्न आउल के देखा कि जो कोशिका है, एकदम बढ़िया समझिएगा, बॉर्न आउल की जो कोशिका है, उस कोशिका के तंत्रिका तंत्र, यानी डायरेक्ट बोला कि तंत्रिका तंत्र जो होता है, उस तंत्रिका तंत्र की जो कोशिका है, क्या है? कोशिका। उस कोशिका के बारे में उन्होंने कहा कि जो कोशिका है, उस कोशिका के केंद्रक की अगर बात कर ले, किसकी बात कर ले? केंद्रक का। तो केंद्रक जो होता है, उस केंद्रक के चारों ओर, किसके चारों ओर?
तो केंद्रक के चारों ओर जिन्होंने देखा कि जो केंद्रक होता है, इस केंद्रक के चारों ओर जो है एक काला जाल है। क्या है? एक काला जाल, याद रखिएगा यहां पे बाबू, क्या है? एक काला जाल है। इन्होंने देखा कि बर्न ऑल जो है, कैमिलो बॉलजी ने, कि बर्न ऑल की जो तंत्रिका तंत्र की कोशिका है, उस तंत्रिका तंत्र की कोशिका के केंद्रक में या केंद्रक के चारों ओर देखा। कहा केंद्रक? यहां पर लिख देते हैं चारों ओर। केंद्रक के चारों ओर इन्होंने देखा कि एक काला जाल है, और उस काला जाल को इन्होंने कहा कि यह गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, या गोल्जी उपकरण है, या गोल्जी पदार्थ है। तरह तरह के नाम इसका दिया गया। कैमिलो बॉलजी जो नाम दिया था, कैमिलो बॉलजी है, इन्होंने जो नाम दिया था गोल्जी कॉम्प्लेक्स को, वह दिया था कि यह जो है जालिकाबद्ध संरचना है। क्या है? तो इन्होंने कहा था कि यह जो है जालिकाबद्ध जाल है। क्या है? जालिकाबद्ध जाल है। लेकिन बाद में ही जो गोल्जी उपकरण है, इसका कई नाम फिर बाद में दिया गया, जैसे गोल्जी उपकरण। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को क्या बोले? जैसे नाम दिया गया गोल्जी उपकरण। क्या नाम दिया गया? उपकरण। फिर इसको कहा गया गोल्जी पदार्थ। क्या कहा गया? गोल्जी पदार्थ कहा गया। बाद में फिर इसका नाम हुआ, क्या हुआ इसको कहा जाने लगा? गोल्जी काय कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? गोल्जी काय फिर इसको कहने लगे लोग। फिर इसको नाम और भी दिए, जिसका नाम था डिक्टियोसोम। बाद में डिक्टियोसोम भी कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? डिक्टियोसोम। कई नामों से इसको फिर जाने लगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो आया वो आया गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी उपकरण और गोल्जी काय। डिक्टियोसोम और गोल्जी पदार्थ बहुत कम सुनने को आपको नाम मिलेगा, ज्यादातर गोल्जी काय सुनने को मिलेगा, या गोल्जी उपकरण या गोल्जी कॉम्प्लेक्स नाम सुनने को मिलता है। इतने नामों से गोल्जी कॉम्प्लेक्स को जाना जाता है। चलिए ठीक है, अब आगे समझिए। ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, अगर हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स को अगर सूक्ष्म साधारण सूक्ष्म दर्शी से देखा जाए, किससे देखा जाए? साधारण सूक्ष्म दर्शी जो होता है उससे अगर देखा जाए, तो साधारण सूक्ष्म दर्शी से देखने के बाद यह पता चलता है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है हॉनीकॉम्ब होता है। क्या होता है? हॉनीकॉम्ब के समान होता है। किसके समान? हॉनीकॉम्ब के समान होता है, या इसको कह सकते हैं कि छड़ के गुच्छे के समान। किसे? छड़ के गुच्छे के समान। छड़ का गुच्छा नहीं देखा है? जब एक जगह छड़ रखा होता है, तो छड़ का जो होता है जो आगे जाके मुड़ता है, छड़ एक जगह इसे रखा हुआ, तो छड़ के गुच्छे के समान दिखाई देता। किसके समान? छड़ के गुच्छे के समान दिखाई देता है। लेकिन सुनो, ये दिखाई देता है यानी छड़ के समान मुड़ा हुआ गुच्छे के जैसा दिखाई देता है साधारण सूक्ष्मदर्शी से, जब इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स को देखते हैं। लेकिन यही गोल्जी कॉम्प्लेक्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो देखिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है अकशेरुकी जंतु, अकशेरुकी जो जंतु होता है उसकी अगर हम बात कर ले, या पादप कोशिका, पादप कोशिका। देखिए यहां पे समझिए बढ़िया से, अकशेरुकी जंतु या कोशिका भी आप कर, चलो कोशिका लिख देते हैं, तो अकशेरुकी जो कोशिका होता है और ये पादप कोशिका, इसकी अगर बात किया जाए तो इसमें जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये दोनों कोशिका में गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो का होता है वो कोशिका द्रव्य में होता है। कहां होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। और कोशिका द्रव्य की अगर बात कर ले, तो कोशिका द्रव्य में छड़ के समान मुड़ा हुआ होता है, छड़ के गुच्छे के समान, गुच्छे के समान मुड़ा होता है। कैसा होता है? मुड़ा होता है, याद रखिएगा। तो यहां पे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर इसको मिटाएंगे। गोल्जी कॉम्प्लेक्स मुख्य रूप से यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका आरबीसी में नहीं पाया जाता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में सर्वप्रथम इटली के वैज्ञानिक थे, जो न्यूरोलॉजिस्ट थे, जिनका नाम था कैमिलो गोल्जी, इन्होंने 1898 ईस्वी में बर्न ऑल की तंत्रिका तंत्र की कोशिका में देखा
कि केंद्रा के चारों ओर कालाजार है और इस कालाजार का नाम इन्होंने दिया जाली का बतजाल दिया। बाद में गोल्जी कॉम्प्लेक्स को गोल्जी उपकरण कहा गया, गोल्जी पदार्थ कहा गया, गोल्जी काय कहा गया, डिक्टियो शोम कहा गया। लेकिन यह सूक्ष्मदर्शी से जब देखा गया तो हनीकॉम छड़ के गुच्छे के समान दिखाई देता है, लेकिन आप कशेरुकु कोशिका में या पादप कोशिका में देखा जाए तो यह कोशिका द्रव्य में छड़ के समान मुड़े हुए गुच्छा के जैसा होता है। तो यह कोशिका द्रव्य में छड़ के समान मुड़े हुए जो गुच्छा होता है तो इसी को तो बोलते हैं डिक्टियोसोम। क्या बोलते हैं इसको? इसी को बोलते हैं डिक्टियोसोम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डिक्टियोसोम कहते हैं। ये सब जितना बता रहे हैं ये सब ऑब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव नहीं लिखना होता है एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेगा कि गोल्जी उपकरण का खोज कब किया गया, बारे में कब पता लगाया गया, 1898 में कैमिलो गोल्जी ने कहां पता लगाया था? तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका में जो केंद्रा के चारों ओर काला जाल था इसी को कहा ऑन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। लेकिन अब बढ़िया समझिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स के खोजकर्ता इसके बाद जो फेमस हुए वो कौन हुए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है ले लीजिए, उसके बाद मिटाते हैं। चलो हो गया। चलिए देखिए अब थोड़ा सा समझ ली तो जानकारी ले ली यहाँ पे कैमिलो गोल्जी कौन थे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के कैसे कैसे पता लगाया गया, ठीक है। लेकिन इसके संरचना के बारे में जो है स्पष्ट रूप से जानकारी जो दिए थे कि इसकी संरचना जो होता है वो छड़नुमा होता है, वो उस संरचना के बारे में सर्वप्रथम देखिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स की हम बात कर ले तो इसकी अति सूक्ष्म कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं अति सूक्ष्म। क्या लिख देते हैं? तो अति सूक्ष्म संरचना। क्या लिख देते हैं? अति सूक्ष्म संरचना। तो इस संरचना के बारे में जो बताया गया है तो इस संरचना के बारे में दो वैज्ञानिक बताए, एक वैज्ञानिक के नाम था डाल्टन, बढ़िया समझिएगा, एक वैज्ञानिक थे डाल्टन, कौन थे? डाल्टन। और दूसरा जो वैज्ञानिक थे उस वैज्ञानिक का नाम था फ्लेविक्स। क्या नाम था? फ्लेविक्स नाम था। ये दोनों वैज्ञानिक ने मिल करके जो है 1954 ईस्वी में, एकदम बढ़िया समझिए कब, 1954 ईस्वी में अति सूक्ष्म संरचना के बारे में बताया और बोला कि ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है यह गोल्जी कॉम्प्लेक्स झिल्ली नुमा संरचना होता है। कैसा होता है? इन्होंने कहा कि ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है यह झिल्ली झिल्ली नुमा यानी झिल्लीदार होता है, झिल्ली नुमा संरचना होता है। कैसा होता है? झिल्ली नुमा संरचना होता है। अब यहाँ पे समझे झिल्ली नुमा जो संरचना होता है इसको समझिए बढ़िया से, या इसके निम्नलिखित भाग होते हैं, कई भाग होते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं तो पहला जो भाग होता है वो होता है सिस्टर्नी। क्या होता है? सिस्टर्नी होता है। दूसरा अगर भाग बात करें तो वो होता है वेसिकल। क्या होता है? वेसिकल। और तीसरा जो भाग होता है, तीसरा की अगर बात कर ले तो तीसरा जो होता है बड़ी रिक्तिका होता है। क्या होता है? बड़ी रिक्तिका होता है, बड़ी रिक्तिका होता है, ठीक है। अब यहां पे समझिए बड़ी रिक्तिका क्या होता है। देखिए गोल्जी उपकरण या गोल्जी काय को जब देखते हैं तो इस टाइप की संरचना दिखाई देती है, दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती? तो ये जो किनारे वाला जो भाग होता है ये किनारे वाला होता है चपटा। कैसा भाग होता है? चपटा भाग होता है और मुड़ा हुआ होता है, होता कि इधर से जाके मुड़ जाता है। तो ये चपटा भाग होता है, मुड़ा हुआ भाग होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी बोलते हैं। यहाँ पे सिस्टर्नी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टर्नी बोलते हैं। चलिए ये होता है सिस्टर्नी, सिस्टर्नी कहते हैं। देखिए ये सिस्टर्नी जो होता है इसके किनारे किनारे होते हैं वेसिकल्स। क्या होते हैं? वेसिकल। वेसिकल या वेसिकल्स कहीं कहीं लिखेगा, ऐसे लिखेगा वेसिकल, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा ही होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, कोई ज्यादा बड़ा ये टॉपिक नहीं है, बस छोटा सा है। अब जो है इसके बाद 9 बजे आप लोग का लाइव टेस्ट होगा जीके का, तो 9 बजे लाइव टेस्ट जीके का जरूर दीजिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहीं से क्वेश्चन यहीं तक पूछता है, इसका फालतू क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। तो मिलते हैं 9 बजे, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा।